इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको इस तरीके से आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर आपको दिखाता है द पेन एंटर्ड डज नॉट एग्जिस्ट प्लीज़ रिट्राई, इस तरीके से आपको शो होता है, तो इस इशू को कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए, अगर आपको इस तरीके से ये दिखाता है, पैन कार्ड वैलिडेट होता है और यहाँ पर आप आधार कार्ड वगैरह नंबर नहीं डाल सकते, पैन ही लिखा हुआ होता है, मैंडेटरी होता है। अब जो आप पैन कार्ड नंबर डालते हैं उसका नंबर मतलब कि आधार कार्ड के एक डेटा होता है, जो नंबर होते हैं वो अगर उन पर मैच नहीं करता है तो तब ये एक दिखाता है। तो यहाँ पर दिखाता है द पैन कार्ड एंटर्ड डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए, आप यहाँ पर पूरे वर्ड डालते हैं 10 के 10, बट 10 के 10 ठीक डालते हैं लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करता, उस पर एक आधा नंबर गलत हो जाता है, तो तब ये इशू यहाँ पर दिखाता है। हाँ, जो पैन कार्ड हो डज नॉट एग्जिस्ट दिखाता है, तो ये इशू रहता है इसका। ठीक है, आप पैन कार्ड यहाँ पर सही डालिए तो आपका ये इशू यहाँ पर नहीं आएगा। तो ये इसका रहता है प्रोसेस। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।